हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऐसी कंट्री के बारे में जो बहुत डिमांडिंग रहती है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। जी बिल्कुल, रशिया। रशिया ऐसी कंट्री है कि वहाँ पर आप कहीं भी, चाहे पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, कहीं से भी है, तो आपकी चॉइस में रहता है रशिया। क्योंकि रशिया ऐसी कंट्री है कि वहाँ पर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं सभी आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मिलेगी, वहाँ पर कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं है। इसीलिए रशिया जो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहता है फॉर एमबीबीएस। तो डियर स्टूडेंट, रशिया बच्चे जाते क्यों हैं? देखिए, हम बात करते हैं पहले इंडिया की। हर बच्चे का ड्रीम होता है कि उसका एमबीबीएस रन इंडिया में कम्प्लीट हो जाए, लेकिन यहाँ की हायर फीसेज होने के कारण अगर आप गवर्नमेंट नहीं निकाल पा रहे हैं और प्राइवेट कम से कम 1 लाख से लेकर जो फीसेज शुरू हो जाती है, पर एनम की बात कर रही हूँ, ये आगे 30 लाख पर एनम तक जाती है, जो कि 4.5 साल में लगभग 1 करोड़ तक का बजट बन जाता है, अगर हॉस्टल मेस एंड आपका सारी इंक्लूडिंग में फैसिलिटीज की अगर बात करूँ। तो उसमें क्या होता है कि एवरी पेरेंट्स इतना हाई बजट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और बच्चे ने अगर डॉक्टर ही बनना है तो वो चूज करते हैं रशिया। रशिया एक सबसे सेफेस्ट कंट्री है, और सबसे ज़्यादा है कि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। बात करते हैं कि कैसे मेडिकल कॉलेज है, तो रशिया में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, और सारे ही मेडिकल कॉलेज जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। नंबर दो, सारे ही मेडिकल कॉलेज जहाँ भी हम आपका एडमिशन शिक्षा कार्ड के थ्रू करवाएंगे, एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। जो भी एनएमसी के अंडर आते हैं, यानी कि अंडर आने का मतलब है उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। गाइडलाइंस नंबर 1, 54 मंथ से नीचे नहीं होना चाहिए आपका जो पूरा एकेडमिक है। और नंबर 2, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आप स्टडी करेंगे, जो वहाँ पर 6 साल की एमबीबीएस होगी, वो आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी स्टडी रशियन में हो जाए। इसके बाद भी वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप रशिया में एडमिशन लेंगे तो देखो, रशियन तो आपको सीखना ही पड़ेगा वहाँ सर्वाइव करने के लिए। भले ही आपकी एजुकेशन टोटल इंग्लिश में होगी, लेकिन एक कम्युनिकेशन से के लिए आपको रशियन लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। चलो, उसकी बात हम करेंगे बाद में। अब बात करते हैं वहाँ पर कैसी फैकल्टी है, कैसी फैसिलिटीज़ है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बहुत ही अच्छा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो रशियन मेडिकल कॉलेजेस बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं, वहाँ का अकेडमिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैक्सिमम वहाँ के जितने भी प्रोफेसर हैं सबको ही इंग्लिश आती है। जो प्रोफेसर हमारे इंडियन स्टूडेंट को स्टडी करवाएंगे, यानी कि जो वहाँ के रशियन स्टूडेंट होंगे, उनके लिए वो स्पेशल जो रशियन लैंग्वेज में ही सब्जेक्ट करवाते हैं, तो उनके लिए जिनको रशियन लैंग्वेज आती है वही उनके लिए प्रोफेसर हायर किए होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए हमारे जो है वही प्रोफेसर होते हैं जिनकी बहुत ही अच्छी इंग्लिश होती है, और वो इंट्रोड्यूस यानी एक दूसरे को जान सके अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू। तो डियर स्टूडेंट, बस फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि इंडिया में आपकी एमबीबीएस 5.5 साल में हो जाती है, रशिया में आपकी आपकी इंटर्नशिप और आपकी स्टडी मिला के 6 साल की हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता 6 मंथ का है। नंबर 2, एनएमसी की गाइडलाइंस एक ये भी है कि भाई आप जिस कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं वहाँ का रजिस्ट्रेशन आपका होना जरूरी है, यानी अगर आप रशिया से करेंगे तो आपको उस कंट्री का रजिस्ट्रेशन होगा, तभी आप इंडिया में आगे आगे फर्दर नेक्स्ट पीजी या जो भी आगे यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो रशिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस चीज़ को मान रही है कि हाँ, हम आपके इंडियन स्टूडेंट को यहाँ का रजिस्ट्रेशन देंगे, यानी कि ये भी आपके लिए बिल्कुल क्लियर है और ज़रा सा भी डाउट नहीं है, आप टेंशन ना लीजिए। डियर स्टूडेंट, वहाँ पर जो हॉस्टल हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत चीप बजट में है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, यानी कि आपको बहुत लो बजट में एक अच्छा हॉस्टल मिल जाता है। मेस एज पर योर चॉइस, फर्स्ट ईयर की मेस मैंडेटरी रहती है, लेकिन सेकंड ईयर में आप मेस को कर सकते हैं कंटिन्यू खुद भी, यानी कि अगर आप चाहते हैं 3-4 बच्चे मिलके अपना फूड बना सकते हैं, वो एज पर योर चॉइस। ज़रूरी नहीं है कि आप 6 साल तक मेस का ही खाना खाएं। देखो, इंडियन फूड तो ये है कि एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, वो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, लेकिन लिविंग एक्सपेंसेस भी ठीक है, बिकॉज ऑफ वहाँ पर जो करेंसी चलती है वो रूबल है, और रूबल जो करेंसी है अगर आप उसको इक्वेलेंसी देखेंगे तो INR यानी इंडियन की जितना, ये थोड़ा सा नीचे ही होगा, ऊपर नहीं है, तो आप टेंशन ना लीजिए, आपका बजट बहुत हिलने वाला नहीं है। वहाँ की जो फीसें शुरू हो जाती हैं, यानी अगर मैं सिर्फ कॉलेज की फीस की बात करूँ तो टोटल 15 लाख है फॉर 6 साल, वहाँ पर फीस आपकी 6 ईयर जाती है, तो 6 साल में आपकी 15 लाख की फीसेज है। आपका हॉस्टल जोड़ लो, एक्सपेंसेस जोड़ लो, यानी कि 20 लाख से भी आप पूरी डिग्री कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 20 लाख, किसी में 25 लाख, किसी में 26 लाख, एज पर योर चॉइस, कैसा लाइफ स्टाइल है, कैसा खाना पीना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं आपको अटेम्प्ट करना नहीं है नीट में, बार बार आपको नहीं वेट करना है, और आपको लग रहा है कि आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट, यह है कि बहुत ज़्यादा आपका बजट नहीं है, तो डियर स्टूडेंट आप प्लान कर सकते हैं रशिया। और आप
कॉन्टेक्ट कर सकते हैं शिक्षा मेट से। हाय, मैं हूँ डॉक्टर शबनम, एमडी ऑफ शिक्षा मेट, आपकी अपनी मेडिकल एडवाइजर। अगर आप चाहते हैं कि आपका एमबीबीएस रशिया कंट्री में और बहुत टॉप मेडिकल कॉलेज में हो तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए शिक्षा मेट से। इसी तरह की वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।